गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to 0 बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, सर्कल्स। स्ट्रेट लाइन बहुत अबर ही खत्म किए दो लेक्चर में, इतना लेक्चर है, स्ट्रेट लाइन दो लेक्चर, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। सर्कल और पाराबोला मिलते जाएगा एक साथ, और एक वीडियो में मेरा आवाज नहीं आ रहा होगा, ये बता देना चाहते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन पहला वाला में। उस दिन माइक मेरा खराब हो गया था, लेकिन आवाज अकेले में अगर देखोगे तो आवाज आ जाएगा, इसमें ना पूरा क्लियर आएगा। थोड़ा बाहरी वाला आवाज गूंज रहा था, उसमें माइक खराब था, इसलिए एक वीडियो थोड़ा खराब, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा आया, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आवाज में। तो आवाज में भी हम सुन रहे थे, तो ऐसा नहीं प्रॉब्लम, अकेले में देखो गौर से सुनोगे बहुत अच्छा आवाज आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन माइक वाला आवाज नहीं है, कोई बात नहीं। देख लो सर्कल क्या होता है, इधर ध्यान दे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल जो सर्कल का जो इक्वेशन होता है दो फॉर्मेट में होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और एक जनरल फॉर्म में होता है। और यही दोनों से सवाल पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा, कि स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल ऑफ इक्वेशन कितना फॉर्म का होता है, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक जनरल फॉर्म। बहुत अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दो फॉर्म में होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक जनरल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड से ही पता चलता है, एकदम स्टैंडर्ड दिख रहा होगा आदमी, इसमें आ रहा है जनरल, मतलब जनरल बोगी। ट्रेन में क्या होता है जनरल बोगी, मतलब जे मन से बैठा लो, इसमें आ रहा है स्टैंडर्ड आदमी एसी बोगी में जा रहा है, वही चीज होता है जनरल। नामे जनरल अलग नाम से ही वहां दिखने लगेगा, और स्टैंडर्ड यहाँ नाम से ही सुनने में दिखने लगेगा। एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा बताते हैं। सेंटर दिया रहेगा, सेंटर मान लिया एच के, और रेडियस तुमको दिया रहेगा। अब पूछा जाएगा बता दो, अगर सेंटर इतना है और रेडियस इतना है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। पहला सवाल सुन रहा है, सेंटर और रेडियस होगा, तुमसे इक्वेशन पूछेगा, तो सुन लेना, कुछ नहीं करना। इसको एक्स बोलते हैं, एच कहां पे बैठा है, एक्स के पास, और के क्या बोलते हैं वाई। तो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पहला पॉइंट एक्स बोला जाता है और दूसरा पॉइंट, समझ आ रहा ना। तो एच वाला किस में घटेगा, एक्स में, के वाला वाई में घटेगा, और रेडियस जो होगा आर, वो आर का स्क्वायर। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए हुआ कि देखो दूर से एच दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, इक्वेशन में दूर से एच दिख रहा है, दूर से के दिख रहा है सेंटर, और उधर दूर से रेडियस दिख रहा है, एकदम स्टैंडर्ड में सजाया हुआ है, समझ आ रहा बात। अगर यही सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो सेंटर सी दिया, रेडियस चार दिया, रेडियस क्या दिया, तो सेंटर दिया है रेडियस दिया, तुमसे पूछा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दे, तो सुन ले, तुमको बताया थी टू जानता है एक्स पॉइंट है, अरे 9th-10th में पढ़ा होगा ये एक्स होता है वाई होता है, तो एक्स में घटाना और वाई में इसको घटाना, तो याद करिए एक्स में टू घटेगा तो -2, और वाई में -3 घटाएगा +3, वाई में घटाएगा तो माइनस खुदे है और तुम घटा रहा है ना, लेफ्ट साइड सेंटर का घटा के स्क्वायर कर रहा और राइट साइड जो रेडियस होगा उसका, ये तेरा क्या बन गया स्टैंडर्ड। अगर इसी को स्टैंडर्ड को जनरल बनाना है, स्टैंडर्ड को क्या बनाना है, इसको होल स्क्वायर में तोड़ दो, ए स्क्वायर -2ab 2 स्क्वायर तोड़ देगा, तो याद कर एक्स स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर वाला एक साथ लिखना, स्क्वायर वाला पहले, स्क्वायर वाला मतलब एक्स वाई वाला, फिर एक्स वाई वाला लिखना सिंगल पावर, इसके बाद लास्ट में क्या लिखना कॉन्स्टेंट। तो बता दे मिक्स ना है, तो मिक्स हो गया तो क्या हो गया जनरल को, समझ आ रहा है। अगर उसको सेंटर और रेडियस के रूप में ही रख रहा है तो स्टैंडर्ड है, अगर होल स्क्वायर में तोड़ दे रहा है जनरल फॉर्म है, नहीं समझ आ रहा है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, अरे कैसा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, क्या समझ आ रहा बात। चलो स्टैंडर्ड और जनरल समझ में आया, स्टैंडर्ड मतलब हुआ सेंटर दिया हुआ है, इधर जाओ सेंटर दिया 2, सेंटर दिया है ना 3 -5, तो अगर सेंटर दिया है कितना 3, तो एक्स में 3 घटाओ, और रेडियस मान लो 2 दिया है, तो सेंटर अगर 3 दिया है तो 3 क्या एक्स है, तो एक्स में घटाना, बहुत अच्छा,
कि वाई दिया है तो वाई में घटाना, प्लस हो जाएगा, होगा ना जी। लेफ्ट साइड सेंटर का स्क्वायर और राइट साइड रेडियस का स्क्वायर, ये तरह हो गया स्टैंडर्ड। इसी को तुम तोड़ दोगे, मिक्स उक्स कर देगा पूरा जनरल। अच्छा मिक्स नहीं हुआ यार, यहाँ से तुम सेंटर बता पाएगा? अब नहीं बताएगा, पहले तो सेंटर बता लेता कि हाँ सेंटर दू था, यहाँ दू बैठा ले, ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के रूप में बैठा हुआ था। अब ऐसा मिक्स कर दिया, कहाँ सेंटर कहाँ रेडियस कुछ दिखी नहीं रहा है। समझ आ रहा बात? चलो मतलब होल स्क्वायर तोड़ देना क्या है, है ना। चलो आ जाओ अब सीखो। अभी सीखा अगर सेंटर दिया और रेडियस दिया तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सेंटर दिया है रेडियस दिया सेंटर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब उल्टा सवाल में दो टाइप का सवाल पूछा जाएगा, स्टार्ट करें। अगर सेंटर दिया है रेडियस दिया तो क्या लिखते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब देख लो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया रहेगा और तुमसे पूछेगा कि बताइए ना थोड़ा सेंटर क्या है, थोड़ा बताइए ना थोड़ा 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 रेडियस क्या है। नहीं समझ आ रहा बात? तो आ जाओ, कभी भी ऐसा दिया है इक्वेशंस तो पहले इधर स्क्वायर बना लेना, बहुत अच्छा बात, सेंटर चाहिए ना। आ जाओ सेंटर निकालने, अभी जो हम बता रहे हैं स्टैंडर्ड का बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं। यहां सेंटर रेडियस दिया था, इक्वेशन निकालने के लिए किसका बता रहे थे, स्टैंडर्ड का, क्लियर है। अब बता दो इक्वेशन, उल्टा इक्वेशन दे दिया, अब बोल रहा है सेंटर क्या होगा, तो हम अभी सेंटर रेडियस किसका निकालने बता रहे हैं, स्टैंडर्ड का। यहां सेंटर रेडियस दिया था तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले निकला, हाँ बाद में सॉल्व किया तब जनरल बना, तो याद कर। अब उल्टा इक्वेशन दिया सेंटर, सेंटर कुछ नहीं कर रहे, यहां प्लस है माइनस, माइनस है सेंटर, और सेंटर लेफ्ट साइड से मिला और रेडियस राइट साइड, तो रेडियस क्या हो गया चार, तो स्क्वायर छोड़कर जो बचा वो सेंटर और स्क्वायर छोड़कर रेडियस, तो सेंटर देगा इक्वेशन ऐसे निकालना है और इक्वेशन देगा तो स्टैंडर्ड से अगर सेंटर निकालते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और राइट साइड वाला रेडियस, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है और सेंटर निकालना है, क्या निकाला है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कब करते हैं वाला स्टैंडर्ड वाला, और रेडियस राइट साइड होता है। चलो अब आते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन देख लो पूरा मिक्स है, समझ आ रहा है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलते हैं, जब तीनों तरफ स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, देखो स्टैंडर्ड स्क्वायर है, और जनरल क्या होगा, सब मिक्स रहेगा। तो अभी हम जो बताए सेंटर निकालने के लिए कि प्लस का माइनस, देख लो इधर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वो कैसा इक्वेशन का सेंटर बताए, स्टैंडर्ड का। अब जनरल देगा सेंटर पूछेगा, सुन ले जनरल का सेंटर, अभी जो हम प्लस का माइनस करवाए, माइनस का प्लस करवाए, माइनस प्लस किस इक्वेशन से सेंटर निकलता है, स्टैंडर्ड से, और जनरल से अगर सेंटर चाहिए, यहां स्टैंडर्ड से सेंटर बना माइनस प्लस करके, और जनरल से अगर सेंटर चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देख लो माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, बेहतर मिला हो, सब नहीं जानते क्या कोफिशिएंट है। अब एक बात बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, माइनस हाफ एक्स के आगे क्या लेना है, टू जी, टू जी कर देना, माइनस हाफ लिखना, वाई के पहले क्या है, समझ आ रहा है, जो आएगा वो सेंटर हो जाएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर कभी निकालना है। और याद कर जो सेंटर है लोगर स्क्वायर, जो सेंटर है लोगर स्क्वायर, और यहाँ जो कॉन्स्टेंट रहते हो घटाए दिए रेडियस आ जाए, तो देख लो स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का सेंटर, प्लस माइनस से सेंटर मिला स्टैंडर्ड का, और राइट साइड रेडियस, और जनरल में क्या करना है, क्या करना, माइनस हाफ। अरे यार स्टैंडर्ड में जो सेंटर निकालते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, लेकिन जनरल में ऐसे नहीं, माइनस हाफ, माइनस हाफ एक्स के आगे वाला, माइनस हाफ वाई के आगे, और जब सेंटर निकल गया, समझ आ रहा है, तो उसी का स्क्वायर कर देना, और जूसी है। इस बार तो मॉडल सेट में डाला है और हम बोले भी थे मेन कोर्स में कि ये सब पूछेगा बहुत। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी बताए हुए थे दो इक्वेशन बताए थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन और क्या बताए थे, जनरल। तो अभी हम बताए थे कि अगर सेंटर और रेडियस देगा, सेंटर और, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या तो फिर इक्वेशन देगा तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, क्लियर है। आ जाओ बोर्ड ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस दिया है चार और सेंटर दिया है 0 1। तो याद कर अभी बोले थे कि एक्स दिया है, अरे क्या दिया, वाई। तो अगर इक्वेशन चाहिए तो हम लोग कैसे निकालते, याद कर अभी बताए थे ना,
तो देख लो कैसे निकालते हैं। एक्स में से सेंटर घटा देना, वाई में से वाई वाला घटा देना, घटाया और रेडियस राइट साइड का स्क्वायर। और कुछ नहीं करना है यार, एक्स वाला पॉइंट को एक्स में घटाना, वाई को वाई में, और रेडियस मतलब इस साइड लेफ्ट साइड सेंटर का स्क्वायर करना और राइट साइड रेडियस करना। क्या ऑप्शन है कहीं? है, है। इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 16, देख लो ऑप्शन बी नंबर। लेकिन अगर इसको होल स्क्वायर में तोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? जनरल। लेकिन ये स्टैंडर्ड, इस सवाल का आंसर जो दिया वो स्टैंडर्ड में ही है, स्टैंडर्ड में ही है। चलो आगे देखते हैं सवाल, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सेंटर दिया जीरो, रेडियस दिया है, तो बता दो सेंटर अगर जीरो दिया है और रेडियस कितना दिया? आर ही दिया है। रेडियस क्या दिया? आर। तो याद कर, एक्स में एक्स वाला घटाओ और वाई में वाई वाला घटाओ। तो यहां पे देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों का दोनों जीरो है, तो लेफ्ट साइड सेंटर का स्क्वायर और राइट साइड रेडियस का, तो ये तेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। देख लो इस सवाल है, याद कर सेंटर कितना दिया है? माइनस थ्री। सेंटर कितना दिया है? तो याद कर सी अगर माइनस थ्री दिया है और रेडियस अगर कितना दिया है? रेडियस एक मिनट, रेडियस यहां जो दिया होगा ऑप्शन के हिसाब से, यहां रेडियस चार दिया होगा, रेडियस कितना दिया होगा? तो क्या किया? रेडियस तेरा दे दिया चार, तो क्या दिक्कत है बता दो तुम? ए तेरा एक्स है, ए तेरा वाई, तो तुम क्या करो? एक्स में ए लगा, अगर ये एक्स माना है ना, तो एक्स में एक्स है और ये भी माइनस तीन एक्स है, एक्स में घटा दो तो घटाएगा प्लस हो जाएगा, और वाई में वाई वाला घटा देगा ऐसा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड रेडियस सेंटर का स्क्वायर, लेफ्ट साइड सेंटर का स्क्वायर और राइट साइड रेडियस का स्क्वायर, समझ आ रहा? तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो अगर ए आंसर है तो अच्छा बात है, अगर एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है कि इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये स्टैंडर्ड, अगर ऐसा आंसर दिया था स्टैंडर्ड में, अगर होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जनरल में। तो मतलब इस टाइप का आंसर दिया है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड में ही पूछा, अगर इसको होल स्क्वायर में तोड़ते क्या हो जाता? बहुत अच्छा। अब बता दो सेंटर दिया माइनस दो, देखो यहां पर पूछा जनरल, सेंटर दिया माइनस दो, सी दिया, सी कितना दिया? सी तेरा दिया माइनस दो और थ्री दिया और रेडियस कितना दिया? चार। तो बता दो ये एक्स है, ये मेरा एक्स है और वाई है, तो कोई भी पॉइंट का पहला एक्स होता है, तो एक्स में एक्स वाला घटा प्लस टू आया और वाई में वाई वाला घटा आया और रेडियस चार स्क्वायर। तो अगर ऐसा आंसर अभी तक दे रहा था तो सब ऑप्शन किसमें था? स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन इस बार स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब हमको तोड़ना पड़ेगा ए स्क्वायर टू ए बी, तो टू पहले ली और ए तेरा एक्स और बी टू, तो मतलब ए आ जाएगा फोर एक्स, समझ आ रहा है? ए तेरा कितना आ जाएगा? चार। अब बता दो वाई स्क्वायर प्लस एट प्लस और माइनस एट माइनस, तो टू ए बी, टू ए बी तो टू हुआ, ए तेरा वाई हुआ, बी तेरा तीन हुआ, मतलब सिक्स वाई इक्वल टू कितना? 16 आया। तो हम बताए थे जनरल इक्वेशन जब तोड़ते हैं, जनरल क्या करते हैं? तोड़ते हैं, स्क्वायर वाला एक साथ लिखते हैं, चार एक्स वाला स्क्वायर के बाद एक्स, अरे कितना हो गया वाई, नौ चार तेरह, मतलब माइनस तीन, मैं समझ आ रहा है? तो अगर ऐसा आंसर देते तो स्टैंडर्ड होता, अगर इसको खोल दिए, होल स्क्वायर खोल दिए तो मेरा क्या बन गया? जनरल। क्या कोई दिक्कत है? तो ऑप्शन कौन हो गया? क्या होगा? ऑप्शन में तीन लिखा गया, यहाँ तेरा क्या होगा? तेरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तेरा? कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, देख लो हम चार तक बताए हैं अभी अभी कहां तक बताए हैं? चार तक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, अरे सवाल तेरा 2024-16 सेट में डाला हुआ है, जनरल इक्वेशन डाला है, और कल हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका बात कर रहे थे? अब जनरल इक्वेशन में क्या बोलता है सुन ले, बोलता है कि आप सेंटर निकाल के दिखाए, ठीक है, और जो 24 में पूछा है उसमें बोला है रेडियस क्या होगा मॉडल सेट में, तो खैर एक क्वेश्चन सेंटर पूछा, हम रेडियस भी निकालते जाएंगे,
ताकि दोनों क्लियर हो जाए। तो याद कर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, हम बोले थे कल हम पिछला चार नंबर क्वेश्चन बताए कि अगर सेंटर निकालना है स्टैंडर्ड से सेंटर, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और रेडियस राइट साइड वाला देता है ना। स्टैंडर्ड से अगर निकालना है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, स्टैंडर्ड वाला में और राइट साइड वाला रेडियस में। और जनरल में अगर सेंटर निकालना है तो प्लस माइनस यहाँ नहीं। सबसे पहले बोले थे सेंटर बराबर, ऐसे बोले थे ना पांचवा में, क्या बोले थे? अगर हम सेंटर का बात करें पांचवा का, पांचवा का सेंटर का बात करें तो माइनस हाफ एक्स के आगे जो भी होगा, चाहे माइनस में होगा चाहे प्लस में होगा, गुणा कर देना। क्या समझ आ रहा है? फिर लिखना माइनस हाफ वाई के पहले जो होगा, तो एक माइनस चार। समझ आ रहा है? तो जनरल में कैसे निकालते हैं? माइनस हाफ एक्स के आगे और माइनस हाफ वाई के आगे। तो याद करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा चार और ये आ जाएगा दो। देख लो सेंटर क्या है, सी नंबर हुआ। लेकिन सेंटर तो पूछा, लेकिन रेडियस भी निकालने सीख जाओ कि रेडियस कैसे निकालना। अब यहाँ रेडियस अगर पूछे कैसे निकलेगा रेडियस, देख लो रेडियस बराबर बताए थे, इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं एफ, यही ना है। सेंटर का खाली स्क्वायर कर देना, क्या कर देना, इसका भी स्क्वायर कर देना। समझ में आ रहा बात? रेडियस अगर निकालना तो क्या कर देना, इस सेंटर जो आता है ना उसी का स्क्वायर करना, उसी का क्या कर देना, स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो चार स्क्वायर दो स्क्वायर, यही ना हो जी। और सी किसको बोलते हैं, देख लो सी, अरे इसको बोलते हैं, देख इसको, समझ आ रहा ना। तो यहाँ फॉर्मूला होता है, देख लो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, अरे ए वाला होता है सेंटर। सेंटर तो समझ गया, माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस हाफ वाई के आगे, और रेडियस बराबर होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। और तुमको पता है जी का मान क्या है, 16 प्लस 4 माइनस सी, सी बोलते हैं ना। यहां से एक सेंटर दिया, माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस हाफ वाई के आगे, और जे लास्ट वाला कॉन्स्टेंट होता है उसी होता है सी, और सी खुद है माइनस में, तो प्लस 5 हो जाएगा। तो 16 4 20 25, और 25 का क्या हो जाएगा, 5। समझ आ रहा है? तो तेरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा पूछ सकता था। हाँ चलो, 2024 में पूछा है, हाँ रेडियस ही पूछा है, सेंटर नहीं पूछा है, रेडियस पूछा है 2024 में। अबर जो मॉडल सेट आया ना तुम लोगों का, उसमें रेडियस पूछा है। चलो सेंटर ऑफ द सर्कल, तो क्या अभी बोले थे, सेंटर अगर निकालना है माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस चार, चाहे एक्स के आगे प्लस हो तो प्लस लेना है, एक्स के आगे माइनस हो तो माइनस लेना है, माइनस हाफ वाई के आगे क्या लेना है, माइनस वन। समझ आ रहा है? वाई के आगे माइनस आठ है, साइन लेके प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। अभी कितना हो गया, ये दो हो गया, ये तेरा चार हो गया। ऑप्शन देख ले क्या है, बी नंबर। समझ आ रहा है? चल ऐसा हो गया ना, इंक दोनों में भले ही भरा गया लग रहा है। अब एक बात बताओ, इसका भी सेंटर निकाल लेगा तो सी बराबर कैसे निकालेंगे, माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस आठ, फिर माइनस हाफ वाई के आगे दस, यही ना है जी, दस ऐसा हो गया। माइनस हाफ एक्स के आगे, माइनस हाफ एक्स के आगे, माइनस हाफ वाई के आगे। तो याद करे सेंटर तेरा जो हो गया सी बराबर ए चार और माइनस पांच। ऑप्शन नहीं लिखे क्या इसका, ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन नहीं लिखे क्या, ये तेरा कितना है, दस वाई प्लस थ्री, एक मिनट, दस वाई प्लस थ्री कुछ, दस वाई प्लस थ्री। अब देख लो इस सवाल का क्या पूछ रहा है ना, ये तेरा पूछ रहा है सेंटर। तो बता दो इसका अगर सेंटर पूछ रहा है तो ए ए ए सेंटर तो निकालना ही है। इधर देख लो ये सेंटर निकला, अगर इसका रेडियस पूछता है रेडियस तो कैसे निकालते रेडियस, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, दोनों बता रहे हैं। तो कहीं रेडियस सेंटर, अभी सेंटर पूछा, हो सके रेडियस भी पूछे। तो याद कर जी स्क्वायर कितना हो गया, जी मतलब सेंटर जो आया है उसका स्क्वायर, चार का स्क्वायर। और सी किसको बोलते हैं, जहां एक्स वाई नहीं हो इसको सी बोलते हैं, माइनस 45 कितना है, तो सी माइनस 45 है और माइनस लेके आएगा, यही ना होगा जी, ये माइनस 45 है, यही ना है। तो कितना हो गया रेडियस, ये अगर बात करें ए तेरा आ गया प्लस 45, पता है क्यों, रेडियस को जी स्क्वायर बोलते हैं, एफ स्क्वायर बोलते हैं, और सी को क्या बोलते हैं, जहां एक्स नहीं है, तो सी मेरा माइनस 45 और माइनस पहले से 45,
प्लस 45 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना चार, टोटल पता है कितना आएगा 65, ये टोटल कितना हो जाएगा 65, कंफर्म 16 4 भी सा सही है, रेडियस से होगा। अब इसका सेंटर पूछेगा, सेंटर अभी बताए थे यार माइनस हाफ एक्स के आगे, नहीं समझ आ रहा है, माइनस हाफ वाई के आगे, ये 10 है, तो मेरा सेंटर जो निकल के आया ये 4, -5, ये जरूर एग्जाम में आएगा, बनाना जरूर है, ये छोड़ना नहीं है। अब याद कर, तुमको भी पता है सर्कल आसान है। अब रेडियस अगर निकालने पूछे तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ए, अब तुमको पता है कि जी का मान क्या है, जी मतलब सेंटर होता है ना, एफ एस माइनस जी माइनस एफ होता है, लेकिन मान के चलो नहीं होता, स्क्वायर है ना, पॉजिटिव कर देगा। तो याद कर जी कितना है 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -c, और सी अरे -12, एक्स वाई नहीं होता उसको सी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया -12, यही ना भाजी। तो ओवरऑल इसको अगर देखे तो कितना आ गया 16 प्लस 25 प्लस 12 41 और 10 41 10, कितना हो गया 53, क्या 53 आ गया ना 53, समझ आ रहा है। वैसे खाली पूछा क्या था सेंटर, तो कौन ऑप्शन है ए नंबर, सही है। अब ए सवाल अच्छा है, दो टाइप का वैरायटी सेंटर और रेडियस पूछ सकता है, अभी तक जितना बना रहा था सेंटर ए अच्छा है, ए अच्छा है, ये भी है, मुझे ए क्या बोलते हैं, ये भी जनरल ही है, बस फर्क क्या है, अभी तक जितना सेंटर रेडियस निकाल रहा था जनरल, देख लो जनरल में दो तरीके से फंसा सकता है, एक सवाल इस तरह का देगा जो एक्स स्क्वायर के आगे 1 और वाई स्क्वायर के आगे 1, यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1 यहां, और एक बार ऐसा भी देगा जहां पे कोई नंबर होगा एक्स स्क्वायर के आगे। तो कभी भी याद रखना अगर एक्स स्क्वायर के पहले 1 है तो जनरल है, अगर यहां 1 नहीं है, यहां 1 नहीं तो फिर जनरल नहीं, जैसा नहीं है, तो इसको क्या करना पहले कॉमन ले लेना, अगर एक्स स्क्वायर के पहले 1 है और वाई स्क्वायर के पहले 1 है तो डायरेक्ट सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, अगर कोई नंबर है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे तो डायरेक्ट सेंटर मत निकालना कि -8 एक्स के आगे -8 -8 एक्स के आगे -10, नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे, -8 एक्स के आगे -8 ऐसे नहीं निकालता था, -8 एक्स वाई के आगे -10, तो ये निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, अरे तेरा 5 गलत, ये आंसर नहीं होगा, क्यों ऐसा काम तब करते हैं जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले क्या होना चाहिए 1, और यहां दे दिया 3, तो अभी तक 3 को सवाल ऐसा था ना कि जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले 1 था, तो जब 1 था तो उस सवाल में डायरेक्ट -half करते गए, लेकिन इस बार अगर -half डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन में आगे 3-3 नहीं होता है, हो सके 6-6 भी दे देगा, तो पहले उसको कॉमन करके हटा लेना है, क्या करना है अब बता दो, इसको 3 कॉमन करके हटा लिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -8/3, कभी भी देखेगा ना 3 अगर हटाओगे और यहाँ पे 8 है, कितना है 8, और 3 इसके पास है ही नहीं है, एक लड़का बोलता है सर 3 हटा के 5 लिख दीजिए, या जोड़ थोड़ी हो रहा है गुणा हो रहा है, तो जिसके पास 3 नहीं ना उसका बट्टा में चला जाता है, समझ आ रहा है, जैसे 10 के पास 3 नहीं है तो 10 का बट्टे में 3 चला जाएगा, समझ में आ रहा है, और 3 यहाँ है तो यहाँ 1 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0, पहले ऐसे कर लेंगे। अब याद कर 3 अगर बट्टा कर दिए तो ले देखिए बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8/3x, समझ आ रहा है 10/3y+1=0, क्या हो गया 0, ऐसा हो गया, ऐसा हुआ कि नहीं, नहीं। अब बता दो अगर हम ऐसा बात करें तो मेरा सेंटर क्या निकल जाएगा, अब निकाल सकता है, अगर हम एक्स स्क्वायर के पहले 1 बना दिए और वाई स्क्वायर के पहले 1 बना दिए तब -half x -half y ऐसा कर सकता है, तो 3 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले क्या था 1, इसीलिए डायरेक्ट -half कर रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर इसमें अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले अगर कोई नंबर दे दे पहले कॉमन ले लो और 3 उधर भागा हो गया 0 हो गया, देख लो 1-1 बन गया, अब तुम कर सकता है -half, तो -half एक्स के आगे -half वाई के आगे ऐसा कब कर सकता है जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पहले 1 हो, तो बता दो जनरल इक्वेशन दो टाइप का देगा, या तो 1 देगा तो डायरेक्ट बनाना, अगर कोई नंबर देगा तो कॉमन ले लेना, याद है, चलो -half अब करो एक्स के आगे -8/3 -half
माइनस ऑफ वाई क्या आ गया, माइनस टेन बाई थ्री, क्या कोई दिक्कत है? तो अगर हम सेंटर यहां निकालें, सेंटर तो कितना आ जाएगा, सी, ये सी आ जाएगा तेरा, ये सी आ जाएगा, दो दूनी चार कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस फोर बाई थ्री, और ए आ जाएगा फाइव बाई थ्री, ये मेरा सेंटर। और रेडियस पूछेगा तो बताए सेंटर का स्क्वायर रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और जी बोलते हैं किसको, सेंटर को, दोनों सेंटर का स्क्वायर कर देना, और माइनस सी मतलब यहां तेरा माइनस सी कौन हो जाएगा, वन, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लो अभी अभी ऐसा कि अगर कोई नंबर हो आगे तो जनरल इक्वेशन नहीं होगा, उसको पहले कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो याद कर कभी भी जनरल इक्वेशन होता है प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ वन होना चाहिए, और वन होगा तभी तुम सेंटर रेडियस निकाल पाएगा। तो पहला अप्रोच ये है कि तीन पहले कॉमन ले, और जब कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो इसके पास भी 12 है तो तीन दे ये देगा, और 15 है तो हाँ पांच दे देगा, और तीन है तो कितना हो जाएगा, दो इक्वल टू जीरो। अब याद कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस पांच वाई प्लस टू, और जीरो बट्टे तीन जीरो हो जाएगा। अब ऐसा तुम बना लिया वन, और जब वन बना लिया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले क्या बना लिया, वन, अब तेरा सेंटर निकालना आसान हुआ। अब तुम निकाल सकता है सी बराबर माइनस हाफ, और एक्स के पहले माइनस चार, चाहे प्लस हो चाहे माइनस जो भी होगा वो लेना है दोनों साइड, तो मिस्टेक हो जाएगा, माइनस हाफ, और वाई के पहले कितना है माइनस पांच, समझ आ रहा है, और सी बराबर आया ए, 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 ए कितना है दो, और ए आया फाइव बाई टू, और वो भी प्लस में आया, दोनों प्लस में है क्या ऑप्शन है, सी नंबर आया। क्या पूछ रहे हैं रेडियस, देखो रेडियस पूछ रहा है लेकिन हम करवाते आ रहे थे ताकि दिक्कत ना हो। रेडियस अगर कितनों निकालना हो पहले सेंटर तो निकालना ही पड़ेगा, तो रेडियस सेंटर के बिना नहीं निकल पाएगा। याद कर सी बराबर निकालेंगे माइनस हाफ एक्स के पहले माइनस चार, अच्छा यहाँ है ना, और एक कितना हो गया सेंटर, इसका सेंटर पहले निकालेंगे माइनस हाफ एक्स के पहले माइनस चार माइनस हाफ, और वाई के पहले माइनस आठ, पहले इतना कर लो है ना। अब सी बराबर क्या हो जाएगा, ए तेरा दो हो जाएगा, ए तेरा चार, ये तेरा सी हुआ। अगर हम रेडियस का बात करें तो रेडियस ऐसे निकलता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो समझ आ रहा है, सेंटर रेडियस के बिना निकल सकता है रेडियस, हाँ सेंटर रेडियस के बिना निकल सकता है लेकिन रेडियस सेंटर के बिना, तो कुछ नहीं करना है जी, उसे डरना नहीं, चुपचाप से सेंटर है उसका स्क्वायर करो यार, मजाक वाला बात थोड़ी है। अभी कितना हो गया टू स्क्वायर चार स्क्वायर माइनस सी, और सी हम बोले कि जो कॉन्स्टेंट होता है ओ वही ना है, तो याद कर माइनस पैंतालीस आएगा, नहीं ना आ रहा है, तो याद कर हो जाएगा चार प्लस सोलह प्लस पैतालीस प्लस पैतालीस, मतलब आंसर भी डायरेक्ट लिखा रहा है, क्या बोले डायरेक्ट आंसर भी लिखा रहा है कि तेरा 65। अगर 65 में रूट से बाहर होता तो निकालते, लेकिन निकलेगा नहीं। अब क्या पूछा रेडियस निकाल दो, बोले अरे भाई वन वन है तो सेंटर डायरेक्ट निकलेगा, वन वन था तो डायरेक्ट सेंटर निकला, यहाँ तीन तीन रहेगा पहले कॉमन ले लेना है, तो जनरल दो टाइप का देखा, दो टाइप का देखा, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पहले वन है तो डायरेक्ट सेंटर निकाल दो, अगर कुछ है तो पहले कॉमन। चलो सेंटर निकाल सकते हैं माइनस हाफ एक्स के पहले आठ, आठ है, माइनस हाफ वाई के पहले दस, एक्स एक्स बार बार मत बोलो, एक कितना हो गया चार, अरे कितना हो गया पांच, ऑप्शन नहीं मिला, सेंटर पूछा ही नहीं, क्या हुआ रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस, और जी बता दो क्या है जी, जी 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 सेंटर का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर, बहुत अच्छा है ना, माइनस सी, और सी तेरा माइनस आठ, ये प्लस आठ हो जाएगा, हाँ इतना स्क्वायर छूट गया, सोलह प्लस पच्चीस प्लस आठ इकतालीस आठ उनचास, उनचास का सात, ये तेरा डी नंबर। देख लो इस सवाल में रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, ठीक है रेडियस पूछा अलग बात है,
सेंटर भी पूछ सकता है। रेडियस पूछा तो अलग बात है, लेकिन पूछ क्या सकता है, सेंटर भी। बैठ जाओ। अब एक तेरा सेंटर पूछा, अरे कोई क्या पूछा, रेडियस। तो सुनो, पहले हम लोग अगर रियल अगर बात करें तो हम लोग का सेंटर रेडियस शुरुआत क्वेश्चन एक से लेकर चार तक, एक से लेकर चार तक हम लोग स्टैंडर्ड ही, एक से लेकर चार तक का जो क्वेश्चन किए थे वो हम लोग स्टैंडर्ड ही किए थे। चार के बाद पांचवा नंबर आज हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जनरल। समझ आ रहा है? कल हम लोग स्टैंडर्ड किए थे ना, दैट इज सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, तो बताओ क्वेश्चन क्या होगा। तो कल जो एक से लेकर चार तक किया, एक से लेकर चार, उसमें क्या था, सेंटर दिया था 0.5, रेडियस 5। तो सेंटर दिया था, रेडियस दिया था, इक्वेशन पूछा, इक्वेशन पूछा, और हम लोग इक्वेशन बना देते, मतलब एक्स में 0, वाई में वाई लगाता हूँ, रेडियस मतलब 5 का स्क्वायर, इक्वेशन बना। आज उल्टा दिया है कि अगर इक्वेशन है तो सेंटर होगा, और कल सेंटर दिया था और रेडियस, एक से लेकर चार, एक से लेकर चार, सेंटर रेडियस दिया था, इक्वेशन क्या होगा, कल सेंटर और रेडियस दिया था, इक्वेशन, आज इक्वेशन है तो उल्टा सेंटर हो गया। वैसे एक दूसरे का पॉजिट ले लिया आज, ताकि ज्यादा समझ में आए। तो कभी भी हम बताए थे कभी भी सेंटर पूछेगा, वैसे तो यहाँ रेडियस पूछा है और ऑब्जेक्टिव में कोई एक ना पूछेगा, सेंटर अगर कभी पूछेगा तो प्लस का माइनस पांच का और माइनस का प्लस। अब बता दो, बताएंगे बाद में, पहले हमको पहले बताओ, जब अभी जनरल इक्वेशन था तो उसमें सेंटर प्लस का माइनस नहीं कर रहा, माइनस का प्लस नहीं कर रहा, वहां कर रहा था माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस हाफ वाई के आगे। तो जनरल में कैसे निकालते हैं, माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस हाफ वाई के आगे। लेकिन अगर एक तरह क्या होगा, जनरल या स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड में प्लस से माइनस माइनस, क्या भूलेगा, जनरल पूछेगा, जनरल इक्वेशन ये वाला था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस बारह इक्वल टू जीरो। अगर जनरल इक्वेशन तो सेंटर ऐसे निकालते, माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस माइनस वाई के आगे, ऐसे निकालते जनरल। अगर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, तीनों तरफ स्क्वायर 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 रहना चाहिए, इसको पहले हम क्या बनाते, एक्स प्लस पांच का स्क्वायर वाई माइनस तीन का स्क्वायर और छह का ये स्टैंडर्ड होगा, इस तीनों में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्टैंडर्ड होगा, समझ आ रहा है। तो जनरल भी कैसे निकालते हैं, सेंटर माइनस हाफ एक्स के आगे माइनस हाफ वाई के आगे, और स्टैंडर्ड में कैसे निकालते हैं, जनरल अभी जो जनरल हम लोग इसके पीछे निकाल, इसके पहले क्या कर रहा, जनरल कर रहा, अभी स्टैंडर्ड आया तो सेंटर इसमें निकालेंगे, अगर प्लस है माइनस प्लस तो स्टैंडर्ड में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और जनरल में कैसे निकालते, माइनस हाफ एक्स का माइनस हाफ वाई का, और स्टैंडर्ड में प्लस का माइनस माइनस का, और रेडियस होता है राइट, समझ आ रहा है, हो सकता है सेंटर में पूछ लिया। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन दिया, पूछा सेंटर क्या होगा, रेडियस, याद देखो तू सेंटर दिया है, रेडियस पूछ रहा है, इक्वेशन क्या होगा, बता दो। अभी 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 देखा कि अगर क्या था, इक्वेशन दिया तो सेंटर पूछा, इक्वेशन दिया क्या पूछा, सेंटर। अब देखो उसका सेंटर दिया है, मेरा सी दिया हुआ 0.2 और रेडियस कितना दिया, 1.2 दिया, उल्टा इक्वेशन पूछा, तो बता दो इक्वेशन दिया तो हम लोग सी और आर निकालो, अगर सी और आर दिया तो कैसे निकालो, तो कुछ नहीं, हम बताए थे कि एक्स होता है और वाई होता है, ऐसे सवाल एक से लेकर चार तक था। अरे सर्कल में पहले एक से लेकर चार सी और आर का इक्वेशन बना रहे थे, तो सर आज क्यों नहीं था, जब करवा दिए थोड़ा कंपेयर करवा दो, अगर 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 इक्वेशन दिया है तो सेंटर रेडियस निकालो, और सेंटर दिया है और रेडियस दिया है, इक्वेशन कैसे निकला, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बता दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये बता दो, ये एक्स है पहला एक्स, तो एक्स में 0 ऐसा, और वाई क्या है 2, वाई क्या है 2, y में 2 ऐसा, मतलब x को x में घटा और y को y में, और इक्वल टू r मतलब 2 का स्क्वायर, समझ आ रहा है, तो x में x घटा y, लेफ्ट साइड सेंटर में घटा और राइट साइड क्या लेना रेडियस का, तो अगर a आंसर दिया तो भी सही है, अगर इतना आंसर तेरा नहीं है, अगर सपोज इतना आंसर नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म,
और ए आंसर नहीं है, अगर ए आंसर कल देखे थे कहीं आंसर था भी और आज नहीं है, इसका मतलब होल स्क्वायर को तोड़ा है। तो जैसे होल स्क्वायर तोड़ेगा मतलब जनरल बन जाएगा। तो बता दो अभी तक क्या है, स्टैंडर्ड इसको होल स्क्वायर में तोड़ देगा ना तो जनरल बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस फोर वाई, बात मान क्योंकि टू अपने से टू, ए के जम वाई, बी के जम टू, फोर वाई प्लस चार इक्वल टू चार। समझ आ रहा? अब तुमको पता है कि प्लस चार इधर लाए कट जाए, बच्चे का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस चार इक्वल टू जब जीरो। समझ आ? अच्छा चार तो कट जाएगा ना, ये तेरा क्या होगा इक्वल टू जीरो। ऑप्शन क्या है? देख लो और दो क्वेश्चन सर्कल में, और सर्कल में सेंटर रेडियस सब क्लियर हो गया, इतना ही सवाल पूछता है, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता है। और बिलीव नहीं तो 2024 का मॉडल सेट में भी रेडियस पूछा है, और भी किसका, जनरल इक्वेशन का। तो या तो जनरल इक्वेशन से रेडियस सर्कल रेडियस सेंटर पूछ सकता है, या तो फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से सेंटर रेडियस पूछ सकता है, या तो फिर सेंटर रेडियस देगा तो क्या पूछेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या क्या सीखा देख लो, अगर स्टैंडर्ड दिया तो तुमको सेंटर रेडियस पूछेगा, जनरल दिया तो सेंटर रेडियस पूछेगा, दोनों से, या तो फिर सेंटर रेडियस देगा इक्वेशन पूछेगा। समझ आ रहा है ना? तो सर आप तो ये समझ में आ गया, स्टैंडर्ड देगा तो सेंटर रेडियस पूछेगा, जनरल को देगा सेंटर रेडियस पूछेगा, तो फिर सेंटर रेडियस देगा तो कौन इक्वेशन पूछेगा? अरे पागल, सेंटर रेडियस देगा तो इक्वेशन स्टैंडर्ड पहले बनेगा, और उसको अगर होल स्क्वायर में तोड़ देगा तो जनरल बन जाएगा। चलो क्या समझ आ रहा है? चलिए सवाल अच्छा है, ध्यान से देखो। मान लो बोला कि एक सर्कल है, ऐसा है, ये क्या बोला, एक सर्कल है, ये तेरा क्या है, सर्कल है। अब सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, सर्कल का क्या दिया है, सेंटर दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, क्या दिया है सेंटर, टू टू, इसी टू कोमा टू दिया है। और बोल रहा है सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, और कोई सर्कल होगा जो कहीं से पास कर रहा होगा, पॉइंट इधर भी हो सकता है, बस पास करना चाहिए, पास करना मतलब सर्कल उससे चढ़ के गुजर रहा है, अब पासेज जो पॉइंट कर रहा है उसका नाम है 4.5। समझ आ रहा है? अब पूछ रहा है कि बता दो अगर सेंटर दिए हैं और पासेस पॉइंट दिए हैं, पासेस मतलब यार अगर ये कहीं होगा तो सर्कल उससे पास कर गया, या तो यहां भी होगा तो भी ऐसे पास कर गया होगा, तो सर्कल का कौन पॉइंट दिया है, सेंटर दिया है, और क्या दिया है, सर्कल का सेंटर दिया है और पॉइंट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दो, तो अभी देखा था इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए एक सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, और यहां पे सेंटर तो दिया लेकिन रेडियस, और रेडियस के जगह में जो दे दिया वो पॉइंट दे दिया, अगर रेडियस का जो देना चाहिए उसका उसका उसके स्थान पर कौन दे दिया, तो कुछ नहीं पागल, एक संबंध इतना जानते हैं, अभी हम बताए थे, कल भी बताए थे एक से लेकर चार तक, कि अगर कभी भी सेंटर पता हो 3-5 और रेडियस पता हो 2, तो एक्स ई एक्स है एक्स में घटाना, वाई है वाई में घटाना, ये ना लिखता है जी, और राइट साइड रेडियस का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। अब बता दो यहां सेंटर तो दिया थी लेकिन रेडियस, अब तुम बता इससे यहां दूरी त्रिज्या ही है, तो अगर हम सी और पी का दूरी निकाल रहे हैं वो आर के बराबर होगा, तो मतलब आर नहीं दिया, इस बार आर निकालना पड़ेगा, अब पहले सी और आर दोनों देता था, तो कहने का मतलब यह है सी दिया हुआ है, एक क्या दिया 2.2 दिया है ना, सिर्फ रेडियस निकालना है, और रेडियस बराबर क्या हो गया, रेडियस ये तेरा सीपी का दूरी हुआ, क्या हो गया, रेडियस और सीपी दोनों सेम चीज है। अब इसका दूरी सूत्र से निकाल दो, पहला में पहला घटाओ या इसमें घटाओ कोई मायने नहीं रखता, 4 में 2 घटाओ स्क्वायर और 5 में 2 घटाओ। समझ आ रहा बात, मतलब एक्स वाला को एक्स के साथ और वाई वाला को वाई, दूरी सूत्र से निकाल दो, तो यहां से रेडियस तेरा आ गया 4 में 2 जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अरे 9+√13 आएगा क्या, ऐसा आ गया रेडियस। अब सेंटर रेडियस पता चल गया, अब यहां से हम क्या निकाल, पता चला कि नहीं, सेंटर दिया था और एक से लेकर 4 जो बनाए थे सेंटर और रेडियस देता तब इक्वेशन निकाल, और छोड़ने यार कल का आज का बात 1 से 4 अभी भी बताए थे क्या था, सेंटर
और क्या पता होना चाहिए, रेडियस, तब तेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलता है। तो यहाँ सेंटर तो दिया लेकिन रेडियस उसके जगह पे क्या दे दिया, पॉइंट। तो कोई बात नहीं, सेंटर से पी का दूरी, सेंटर से सर्कल का किसी भी सर्कल, यहाँ सर्कमफेरेंस, सेंटर से सर्कल पे टच कर रहा है वहां तक का दूरी क्या होता है, रेडियस। तो सी पता है, पी पता है, तो दूरी सूत्र से आर निकाल लो, तो यहाँ सीपी जो आएगा वही आर होगा, सिर्फ आर, आर आज क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। तो बता दो, सी पहले था, आर पता हो गया, अब पहले सी और आर दोनों देता था, आज सी दिया तो आर निकालना पड़ा। अब याद कर इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, इन्हें निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, एक्स में से एक्स वाला पहला पॉइंट को एक्स बोलते हैं जी, और दूसरा पॉइंट को वाई, बोला क्या समझ आया, और ए तेरा आ गया रेडियस, मतलब रूट तेरा का स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब बता दो, अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है, देखो स्क्वायर स्क्वायर दिया मतलब ये स्टैंडर्ड है, अगर ये आंसर मैच नहीं किया इसका मतलब जनरल जनरल बना रहा है, तो स्टैंडर्ड में आंसर नहीं दिया है, तो कभी कभी क्या होता है यही आंसर दे देता है, और कभी कभी ये नहीं देता है, तो इसको होल स्क्वायर तोड़ देगा ना तो जनरल बन जाएगा। अब ये स्क्वायर में सब दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड है, और आंसर अगर स्टैंडर्ड में नहीं है तो इसका मतलब होल स्क्वायर में तोड़ दो तो जनरल में दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, और टू ए बी, तो ए ए और बी तो टू एक्स हुआ, और टू और लगाएगा चार एक्स, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस कितना हो गया चार, नहीं लग रहा है कट गया तेरा, आया नहीं आया, तो देख लो फाइनली आंसर जो आया, फाइनली आंसर जो आया मेरा ये कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना है, पहले स्क्वायर लिखना है फिर एक सिंगल पावर लिखना है, माइनस फोर वाई ये ना भाजी, और तेरह और चार आठ मतलब इक्वल टू पांच, इधर नहीं लाया उधर रखा, तो बता दो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, चलो क्या कोई दिक्कत, चलो एक लास्ट सवाल सर्कल का देखते हैं, है ना, यहां से सर्कल खत्म हो जाएगा, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग, इतना क्या पूछ दिया जी, तो बहुत आसान पूछ दिया, समझ आ रहा बात, क्या पूछा सर, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल हुज डायमीटर, देख लो क्या पूछा, ए एक सर्कल है और तुमको भी पता है, इधर ध्यान दो, डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन डायमीटर है, डायमीटर मतलब होता है ब्यास, और ब्यास जो है डायमीटर वो क्या पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, इस पॉइंट से, देखो ना यार डायमीटर इज द लाइन, वैसा लाइन है जो ज्वाइनिंग कहां से कर रहा है, ऐसा डायमीटर है, और हम लोग को पता है कि डायमीटर उसको बोलते हैं जो सेंटर से पास करे, और वैसे इधर उधर से पास कर जाएगा तो कॉर्ड बोलते हैं, तो बता दो डायमीटर जो पास किया उसका क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है पांच कोमा माइनस थ्री, और ए तेरा दिया है थ्री कोमा वन, ये टेंथ लेवल का सवाल है। अब बोल रहे सेंटर क्या होगा, भैया सेंटर क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, ये पूरा अगर डायमीटर है सेंटर क्या होगा आधा, तो मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मध्य बिंदु पढ़ा होगा, तो जब ए और बी पता है तो दोनों का दूसरे डिवाइड कर दो, बीच का आ जाएगा, तो याद कर सी तेरा क्या आ जाएगा, हाँ ये तेरा मान लो पांच है, ये तेरा तीन है पहला पॉइंट, और दो से डिवाइड कर दो, तो तुम एक्स को जोड़ा है ना, तो एक्स का पॉइंट आएगा, एक्स को जोड़ के टू से डिवाइड किया तो एक्स का आधा आएगा, और वाई अगर जोड़ा होगा तो वाई वाला जोड़ा होगा, टू डिवाइड किया तो वाई वाला पॉइंट आएगा, तो सी बराबर तेरा आ गया चार कॉमा माइनस वन, नहीं समझ आ रहा है, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या था, दो पॉइंट डायमीटर का था, डायमीटर मतलब ब्यास, ब्यास ब्यास, तो ब्यास का दो पॉइंट था, तो केंद्र का निकालना था, सेंटर को केंद्र बोलते हैं, तो केंद्र क्या होता है ब्यास का आधा होगा, तो दोनों पॉइंट एक्स वाला जोड़ दो, दो से डिवाइड कर दो, वाई वाला जोड़ दो, तो आधा निकल जाएगा सेंटर, और सेंटर तेरा क्या हो गया चार कॉमा माइनस वन, सर्कल हो गया।